बिहार के मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव को पटना से गिरफ्तार कर लिया गया है। 24 जनवरी को कारगिल चौक पर हुए उपद्रव की वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई। करीब 500 पुलिस कर्मियों ने उनके घर का घेराव कर 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। लेकिन इस गिरफ्तारी से पहले हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था। उस समय विधानसभा का सत्र चल रहा था। इस हंगामे के बाद सांसद को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया। पुलिस ने आरोप लगाया कि जब पुलिस JAPL के कार्यकर्ताओं को असेंबली की ओर जाने से रोक रही थी, उस समय यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को हमला करने के लिए उकसाया। बाद में DSP के आदेश के बाद 500 पुलिसकर्मी यादव के घर पहुँच गए और हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। एक पुलिस अधिकारी ने उस केस में यादव को गिरफ्तार घोषित कर दिया। हालांकि यादव ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। तो यहाँ पप्पू यादव और उनके समर्थकों को पुलिस से उलझना काफी भारी पड़ गया। पुलिस ने पुराने मामले का हवाला देते हुए पप्पू यादव को सलाखों के पीछे डाल दिया है। देखते रहिए DB Live।